नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर चलते चलते चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों, जो आज मैं ये मशीन चला रहा हूं, पैरों से साइकिलिंग कर रहा हूं मैं, और इसमें आटा हम पीस सकते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ हम अपने घर पे ज़रूरत के हिसाब से आटा पीस सकते हैं। इसमें डबल डबल बेनिफिट मिलेगा आपको। एक तो आप फ्रेश आटा खाएंगे, आप गेहूं घर पे लाइए, चना लेके आइए, जौ लेके आइए और सोयाबीन लेके आइए, सबको मिक्स करके मल्टीग्रेन आप तैयार कीजिए और उसको जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको पीस सकते हैं। और इसमें एक घंटे में हम कितना पीस सकते हैं, आधे घंटे में कितना कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन भी हम राहुल सर से बात करेंगे, कितना ये काम करती है, किस एफिशिएंसी से काम करती है। बाकी मैं इसको अभी चला रहा हूँ, बहुत नॉर्मल है अभी, क्योंकि इसमें गेहूँ भी नहीं डाला है अभी, बहुत हल्के से चल रही है। तो शायद गेहूँ डालने के बाद हो सकता है कि इसमें एक थोड़ा सा ये थोड़ी हार्ड हो जाए, लेकिन जो अभी मैं चला रहा हूँ वो बहुत सॉफ्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि जब इसमें गेहूँ डलेगा तो भी ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होने वाली है। तो इसमें आपके पैरों की एक्सरसाइज भी होगी, आपकी बॉडी की मूवमेंट भी होगी और घर पे आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे मीटर भी लगा है, इसमें आपका टाइम, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस आपने कवर की है, स्पीड क्या रही है, सारी चीज़ें वो भी कैलकुलेशन हो जाती हैं। यहाँ पे स्पीड और मीटर लगा हुआ है और इसको आप अपनी हाइट के हिसाब से, जैसे कोई लंबा है या छोटी हाइट का है, तो मीडियम हाइट का है, तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप इसकी सीट को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मटेरियल है वो ठीक ठाक मटेरियल है, बढ़िया है, लोहे का यूज़ किया गया है। अंदर जहाँ पे जो आटा पिस के आएगा वो मेटल थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड लग रहा है। तो इसका टोटल वज़न भी पूछेंगे। अभी मैं इस पर चला रहा हूँ तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है, जैसा कि होता है कि बहुत लाइट वेटेड पे बैठा हूँ या कोई ऐसी है कि बैठने के बाद हिलेगी डुलेगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हो रही है। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज मशीन है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इस पर काम करते हुए। और अब मैं राहुल सर को इनवाइट करता हूँ और उनसे बात करेंगे हम, और इसके बारे में पूछेंगे, इसकी फंक्शनलिटी के बारे में पूछेंगे, कितने रुपए में ये मिल जाती है, भारत के किस किस कोने में इसको भेज सकते हैं, सारी बातें हम राहुल सर से पूछेंगे इसके बारे में और बात करेंगे। तो मशीन मुझे बहुत अच्छी लगी और इस पर हम, जैसा कि मेरी बात हुई अभी तक, हर तरह का जो गेहूं है, चना है, हर तरह के अनाज को हम पीसकर आटा तैयार कर सकते हैं। और लेकिन अभी तक मुझे ये पता नहीं है कि इसमें कितने घंटे में कितना हम आटा पीस सकते हैं, वो राहुल सर से बात करेंगे। साइकिलिंग का शौक पूरा भी हो जाए और उसमें हमें आटा भी मिल जाए, आटा फ्रेश आटा हमें मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या बात है। बिल्कुल जी, ये मशीन हमने इस हिसाब से डिजाइन की है कि एक पंथ और दो काज हो जाए जी। बिल्कुल। तो सर, ये कौन सी मेटल से बनी है? सर, ये मशीन का जो पार्ट है जी, इसमें एल्युमिनियम यूज किया गया है जी, कास्ट आयरन यूज किया गया है और स्टील यूज किया गया है जी। बहुत बढ़िया, ये हम देख सकते हैं। इसमें हम आटा डाल, वो मतलब गेहूं डालना होता है हमें, ये हम इसमें डालते हैं, इसको हम ऐसे निकाल भी सकते हैं और इसको ऐसे हम लगा भी सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और नीचे इसमें सर, इसके अंदर पत्थर लगा है या फिर मेटल ही है? सर, इसके अंदर ग्राइंडर व्हील है जो, अच्छा, जो ये ग्राइंडर व्हील है बहुत हैवी ड्यूटी का, ग्रेनाइट का ग्राइंडर व्हील हमने डिजाइन किया है इसमें, अच्छा, जिसकी लाइफ मिनिमम 5 साल की लाइफ है इसकी। बहुत बढ़िया, 5 साल तक पत्थर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, ग्रेनाइट का है। बिल्कुल जी, ये हमने जो डिजाइन किया है इस हिसाब से किया है कि यहाँ पे आप जो भी अनाज है, मसाला है, चाहे आप चना, दाल, चावल, गेहूं, कुछ भी पिसाई करना चाहते हैं जी, जी। वो इसमें डाल के जैसे जैसे आप पेडलिंग करेंगे आगे से यहाँ से जो हमारा सामान है बन के निकलता रहेगा, यहाँ से आटा निकलता रहेगा। बिल्कुल जी,
और इसमें ये जो है ये वहाँ से पैडल मार रही है, बिल्कुल घूमेगा, ये गियर इसके अंदर है और इसके अंदर से पत्थर घूमेगा, यहाँ से निकलेगा, बिल्कुल। अच्छा सर, ये एक घंटा अगर कोई साइकिलिंग करता है लगभग कितने किलो पीस सकता है इसमें? सर ये जो मशीन हमने बनाई है जी, इसकी जो एवरेज हमें जो कस्टमर इसकी एवरेज बता रहे हैं वो ये है कि 15 से लेके 18 मिनट के अंदर 1 kg आटे की पिसाई हो जाती है। 15 मिनट में 1 kg आटा तैयार? बिल्कुल जी, बहुत आसानी से। बहुत बढ़िया है, कस्टमर खुद कह रहे हैं। बिल्कुल जी, ये हमें कस्टमर्स का रिव्यू है। तो यानी कि अगर डेली इसको आधा घंटा चलाए तो पूरे घर की रिक्वायरमेंट? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज के साथ साथ। अच्छा, ये प्राइस क्या रहेगा इसका, होम घर तक पहुँचने की कितनी कीमत पड़ेगी पूरे भारत में? सर ये जो मशीन है इसका रेट हमने रखा है 17,500। 17,500 यानी कि 17,500 रुपए की ये मशीन घर पे पहुंच पड़ेगी। बिल्कुल जी, इसमें हम कस्टमर्स के लिए क्या किया है, 2,500 कस्टमर हमारे कंपनी के करंट अकाउंट में डिपॉजिट करे जी, और हम उसके घर पे जो उसका एड्रेस है कैश ऑन डिलीवरी पे उसके घर तक मशीन हम पहुंचा के देंगे। अगर आप 2,500 रुपए कंपनी के करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, उसकी स्क्रीनशॉट लेके आप राहुल सर के पास भेजते हैं, तो फिर आपको आपके घर तक ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा और बाकी पेमेंट आपने बाद में। बिल्कुल जी, जब आपके घर पे मशीन। बहुत बढ़िया है, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है इस मशीन के लिए। तो सेहत का खजाना है, आपको फ्रेश अनाज मिलेगा, सॉरी फ्रेश आटा मिलेगा। आप आटा अगर हम 15-20 दिन के लिए रखते हैं, महीने के लिए रखते हैं तो खराब हो जाता है। कहते हैं कि गेहूं का आटा 15 दिन से ज़्यादा पिसा हुआ नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद बोलता है। और जो मक्के का आटा है और बाजरे का आटा है वो 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म कर देना चाहिए, फिनिश कर देना चाहिए। और जो चने का आटा है वो भी हमें 10 दिन के अंदर अंदर उसको ख़त्म कर देना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना आटा हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये हमारे पूर्वज बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, ये हमारे पूर्वज बोलते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उसकी गुणवत्ता को समझते हुए ये मशीन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आपको सेहत के साथ साथ फ्रेश आटा मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी मशीन है। इसका वजन कितना है राहुल भाई? सर ये जो मशीन है इसका वेट 60 kg है, 60 kg वेट है इसका। 60 kg वजन है? बिल्कुल जी। तो मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई भी हैवी अगर पर्सन भी बैठता है तो हिलने डुलने? बिल्कुल जी, इसके हैंडल हैं, चाहे इसकी सीट है, ये एडजस्टेबल है। हाँ। हम अपनी हाइट के हिसाब से आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा इसमें कर सकते हैं। और ये मीटर में क्या क्या शो करता है, जो मीटर इसमें लगा हुआ है? सर जो ये मीटर है इसमें हम कस्टमर के लिए टाइम बताएगा, ठीक है जी, कितनी कैलोरी हमारी बर्न हुई है, अच्छा कितने स्पीड पे चल रही है, कितना डिस्टेंस हमने साइकिलिंग किया है, ठीक है, और कितने RPM पे इसका जो चक्की है वो चल रही है, ये सारी चीजें हमें ये मीटर पे पता चलेंगी। मतलब पूरा ये भी पता लगेगा हमारी कितनी कैलोरी बर्न हो गई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया। और केवल मात्र कितने में पहुंच हो जाएगी ये? 17,500। 17,500 रुपए में ये घर पे पहुंच हो जाएगी, तो काफी अच्छी है। और इसमें कोई मेंटेनेंस की जरूरत भी होती है क्या? नहीं सर, कोई इसमें मेंटेनेंस इतनी नहीं है। इसमें जो चेन है उस पे हल्का सा ऑयलिंग आपने करना है। अच्छा, चेन पे ऑयलिंग करते रहना है, टाइम बाय टाइम ग्रीसिंग करते रहना है। बिल्कुल जी, जो भी आपके वहाँ पे लोकल साइकिल मैकेनिक है वो आसानी से इसको रिपेयर कर देगा। साइकिल मैकेनिक रिपेयर कर सकता है? बिल्कुल जी। तो बहुत अच्छी साइकिल है। आप अगर इसके बारे में कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए तो राहुल का कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में शो हो रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें हम दलिया या आटा पतला मोटा सब कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल जी। सर जैसे आपको बताया, ये मशीन मेरा बनाने का हमारा जो इनोवेशन है अकेला ये सोच के हमने बनाया है कि जैसे आपने बताया आयुर्वेद कहता है, साइंटिफिक रीजन ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये क्लियर हो चुका है कि जो भी अनाज का आटा हम पिसाई करते हैं ज्यादा RPM पे पिसाई होने की वजह से, जैसे हम मार्केट से चक्कियों में करवाते हैं, आटा गर्म हो जाता है, जिससे उसके जो भी पौष्टिक तत्व हैं, मिनरल्स हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। सेकेंडली जब हम आटा बाजार से लेके आते हैं हमें पता नहीं होता है कि आटा कितने दिन पुराना पिसाई हुआ हुआ, जिससे उसकी गुणवत्ता है, जो मिनरल्स हैं उसमें, उसका हमें पता नहीं होता है। ये जो मशीन, इसका हमने नाम रखा है ASY, ASY
अद्भुत साइकिल यंत्र या अद्भुत स्वास्थ्य यंत्र। वाह वाह क्या बात है, अद्भुत स्वास्थ्य यंत्र, बहुत बढ़िया। इसको सर डिजाइन करने का हमारा यही था कि आप इससे आजकल हर बंदा, जैसे आपने देखा है, टाइम कम होने की वजह से एक्सरसाइज पे नहीं जा सकते हैं, तो घर पे आसानी से इस पे साइकिलिंग भी की जा सकती है, और साइकिलिंग के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल भी रखा जा सकता है और अपना स्वाद का भी हम रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसमें मोटा पतला कहाँ से होता है? तो ये जैसे आपको बताया है, ये इसका मीटर है, इससे इसमें एडजस्टमेंट नट है, जितना हमने मोटा पतला करना है यहाँ से हम करेंगे। जैसे दलिया बनाना है, बिल्कुल मुहिम या पतला आटा पे सही करनी है, यहीं से होना है। इसकी वर्किंग बहुत ही आसान है, बहुत बढ़िया सिंपल प्रोसेस है पूरा एकदम से, कोई इसमें ज्यादा समझने वाली जरूरत नहीं है, कोई कोई अलग से कोई मीटर नहीं लगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, सिंपल देसी जुगाड़। बिल्कुल सिंपल देसी जुगाड़, बहुत बढ़िया है। मैं इसको फास्ट करता हूँ थोड़ा। स्पीड का वो नहीं चल रहा अभी।